खेल संग्राम में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए अपनी पहली पारी में 537 रनों का स्कोर किया। बात की जाए दूसरे दिन के खेल की तो 4 विकेट पर 311 रन से आगे खेलते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज मोइन अली ने अपना शतक पूरा किया। मोइन अली को 117 के स्कोर पर शमी ने बोल्ड कर इंग्लैंड को पांचवा झटका दिया। इसके बाद स्टोक्स और बेरिस्टो ने छठे विकेट के लिए 99 रन जोड़े। बेरिस्टो 46 रन बना शमी की गेंद पर विकेट कीपर सहा को कैच देकर चलते बने। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वोक्स 4 और आदिल राशिद 5 रन बना रविंद्र जडेजा का शिकार बने। 128 रन की शतकीय पारी खेलने के बाद बेन स्टोक्स उमेश यादव की गेंद पर रिद्धिमान सहा को कैच दे बैठे। जफर अंसारी को 32 के स्कोर पर अमित मिश्रा ने LBW कर इंग्लैंड का आखिरी विकेट हासिल किया। ब्रॉड 6 रन बना नॉट आउट रहे। इस तरह इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 10 विकेट पर 537 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए रविंद्र जडेजा ने 3 जबकि मोहम्मद शमी उमेश यादव और रवि चंद्रन अश्विन ने 2-2 विकेट झटके। वही अमित मिश्रा ने भी 1 विकेट चटकाया। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गवाए 63 रन बनाए। मुरली विजय 25 और गंभीर 28 रन बना क्रीज पर मौजूद है। अब से कुछ ही देर में तीसरे दिन का खेल शुरू होगा। दूसरे दिन खराब फील्डिंग के बाद टीम इंडिया के सामने 537 रनों के स्कोर को पार कर पाना आसान नहीं होगा। भारतीय टीम को इस मैच पर अपनी पकड़ बनानी है तो उसे अपनी पहली पारी में कम से कम 500 रनों का स्कोर करना पड़ेगा। आपको बता दें कि टीम इंडिया अब भी पहली पारी में 474 रनों से पीछे है और उसके पास अभी पूरे 10 विकेट बाकी है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए खेल संग्राम।